ये पहला सेगमेंट हमारा किचन के हवाले से होता है और आज भी किचन में कुछ खास बन रहा है बिकॉज आज जो शेफ हैं हमारी आपा के साथ वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो यहाँ पर आकर खाना बना रहे हैं। और मैं आपको इनकी एक मज़े की बात बताता हूँ, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं लेकिन इनको शौक़ हो गया शेफ़ बनने का और ये अपनी फैमिली में पहला आदमी है जो कि एक इतना अच्छा बिजनेस तो चल रहा है, अब्बा का साथ भी दे रहे हैं, भाइयों का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खाने बनाने का भी शौक रखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या बन रहा है भाई आज? आज अरेबिक सैंडविच बन रहा है। अरे बाप रे, अरेबिक सैंडविच आप नहीं खा पाएंगे? मैं नहीं खा पाऊंगा, मैंने कल खा लिया जितना खाना था। मायोनेज भी होती है इसके अंदर, पीता ब्रेड भी होती है, आप नहीं खा पाएंगे। नहीं नहीं, मैं कबाब आपको अलग से दे दूंगा, वो आप खा सकते हैं। बिल्कुल मैं खा लूंगा। तो आज सिर्फ आप बना रहे हैं अरेबिक सैंडविच? अरेबिक सैंडविच। और आप क्या बना रही हैं आज? मैं तो इनके लिए ड्रिंक बना रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त किस्म का, जो बड़ी फरमाइश आई है कि लास्ट टाइम आपने बनाया था। अच्छा, लस्सा दूध के नाम से, तो वो जरा आप लस्सा दूध, लस्सी होता है? नहीं, इट्स लस्सा मींस कि जिसमें रेशा हो, जिसमें जो थिक हो बहुत ज्यादा, और रबड़ी करके, रबड़ी काइंड ऑफ, लेकिन वो रबड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा थिक। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ना इन पे जोर दें प्लीज। भाई अगर ऐसी को खास रेसिपी है तो उसको आम कीजिए, उसको पब्लिक में लेकर आइए। ये मैं साथ में करा, हो सकता है अगले दिन अगवानिश में स्टार्ट हो जाए। ये भी अच्छा आइडिया है, सोचा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन भाई देखें, हमारे यहाँ तो कुछ भी चोरी हो जाता है, आप ठीक है, तो कुछ राइट्स होने चाहिए। नहीं नहीं, नाम लिखवा देंगे मैम सलमान। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता भाई, पैसे होते हैं। चलें ठीक, पर गिलास 1% इनका होना चाहिए। कॉपीराइट लॉयल्टी दे देंगे। हाँ, कॉपीराइट लॉयल्टी होनी चाहिए हमारे यहाँ, बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्या बात कर रही हैं। मैं आपसे ना एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मेरी आयत ने एक स्टोरी शेयर की कि शी इज रीडिंग हैरी पॉटर, सम कोई स्टोरी थी, तो वो जब शेयर हुई तो उसने टैग किया हुआ था जो यूके का हैरी पॉटर का जो इनका पूरा वो पेज है उसको, तो उनका इनबॉक्स आता है ये पूछने के लिए कि क्या हम ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हाँ, परमिशन लेते हैं। वो परमिशन लेते हैं हमारे यहाँ तो आपने तस्वीर डाली, कोई भी उठाता है चिपका देता है, ना कोई क्रेडिट, ना कोई कुछ, और कोई कॉपीराइट का सीन नहीं है, तो ये कॉपीराइट होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल 100%। इसी तरह के बहुत सारे पेजेस भी बने हुए, जैसे अभी फैसल ने कहा कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल दे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है दिल से, जो माफिया मांग रहे हैं वो भी बार बार जरा अपनी गलतियों की लिस्ट के साथ फेसबुक पे डाला करें, खाली माफीनामा मत भेजा करें, लिस्ट पे डाला करें कि क्या क्या गलती की है। नहीं नहीं, अल्लाह पाक सबको माफ करने वाला है, बेशक बेशक, और मगफरत का इशारा है, इसमें माफिया मांगे। लेकिन साथ ही साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेसिपी। जी, रेसिपी पे आप लोग आइए, बिल्कुल आ जाओ भाई। अच्छा, रेसिपी पे जा, साथ भट्टी जा रहे हैं अपनी रेसिपी पे, और मैं उससे पहले कर लूं अपने। जी आप बिल्कुल कीजिए। चिकन है, मटन है? ये चिकन है। चिकन, क्योंकि हम हाथ धोएंगे, जो हालात चल रहे हैं आपको पता है, किचन में आना हो, घर में एंटर हो, सबसे पहले आपको हाथ धोने हैं। किचन में आके किसी भी चीज़ को छूने से पहले आपको हाथ साफ कर लेने चाहिए, जर्म्स फ्री कर लेना चाहिए, कि और वो भी लाइफ बॉय के फास्ट, सुपर फास्ट हैंड वॉश से, क्योंकि अगर किसी और साबुन से हाथ धोएंगे तो इतनी जल्दी जर्म्स जाने वाले नहीं है। ये किसी भी आम साबुन से 100% जर्म्स फ्री करता है, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर। तो मैं ज़रा हाथ धो लूँ, और कोशिश कीजिए जब आप हैंड वॉश करें तो खूब अच्छे से कीजिए, ताकि आपके हाथ जो हैं वो जर्म्स फ्री हो जाएं। 10 सेकंड के अंदर लाइफ बॉय सुपर फास्ट आपके हाथों को 100% जर्म्स फ्री करता है। तो मेरे हाथ हो गए जर्म्स फ्री, अब मैं इजीली जा सकती हूँ किचन के अंदर, और साथ के साथ मज़ेदार किस्म की टर्किश अरेबिक सैंडविचेस कोई रेसिपी। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि चिकन का कीमा जो आपने लेना है वो वेट नहीं होना चाहिए, मतलब ह्यूमिड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो। अगर आप लोग खवातीन ऐसी होती हैं कि घर में धोती हैं उसको कीमे को, तो फिर उसको स्ट्रेनर में रख लें, और स्ट्रेन करके ही उसको जो है आप पानी पूरा ड्रेन करके फिर उसको यूज़ करें। मुझे लगता है ये साथ जब हम किचन में कीमे को धोते हैं और वो मशीन का बना हुआ होता है, तो उसका जितना ब्लड है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, वो खाली फोक सा रह जाता है ना, खाली खुश्क, कुछ मज़ा नहीं होता उसका। लेकिन यही अगर आप गोश्त करवाते हैं उस टाइम पे, आप जाकर
इसको वॉश कर लें पहले गोश्त को, और देन उसके बाद आप इसका कीमा बनवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग नमक डालेंगे। हमने कीमा ले लिया। कीमे की कितनी क्वांटिटी है? 1 किलो कीमा है। ओके, उसमें हम लोगों ने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है। ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें हम लोगों ने चिकन पाउडर डाला है। ये मैंने मेजरमेंट करके रखी हुई है। ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक पेपर ऐड किया, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग सोया सॉस डालेंगे। 2 टेबल स्पून नहीं जी, चिकन और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे मैरिनेट करके। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद इसको ज़रा इसको मैरिनेट कर दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं? इसमें सॉल्ट ऐड हुआ है, चिकन पाउडर ऐड हुआ है, ब्लैक पेपर ऐड हुआ है, और क्या चीज़ है? सोया सॉस ऐड हुई है जी। ये 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ 3 चीज़ें जो हैं वो 1 टेबल स्पून है, सिर्फ सोया सॉस 2 टेबल स्पून है। ओके, इसको मैरिनेट करके। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जो है हम लोग ब्रेड क्रम्स डालेंगे, वो आप ले लें 4 टेबल स्पून इसकी बाउंडिंग अच्छी करने के लिए। हाँ, मतलब एग वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लोगों ने ये 4 टेबल स्पून इसके निकाल के रखे हुए, ये हम मिक्स कर देंगे इसमें। इससे जब आप फ्राई करेंगे ना, एक थोड़ी सी वो क्रिस्पी वो भी आ जाएगा ना जी, और बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, कब आप टूटेगा नहीं। अंडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये देखें, अब ये ड्राई है ना, तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी बन रही है। हाँ। अगर ये थोड़ा सा गीला होता ना, तो फिर हमने नमक भी डाला है, तो फिर वो चिकन अपना पानी किसी भी चीज़ पे जब आप सॉल्ट ऐड करते हैं, तो वो अगर वेजीज हैं या मीट है, तो वो अपना पानी छोड़ना शुरू करता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर पानी की क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसको हम अभी साइड पे रख देंगे और हम अपनी वेजीज कट कर लेंगे। ओके, बड़ी सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी। हाँ, बहुत सिंपल है, कुछ इतना वो नहीं करना है। तो इसमें क्या डलेगा? सिर्फ आइसबर्ग है। ओके, उसको हम लोग लंबे लंबे पोर्शन में काट लेंगे। ठीक है। और अनियन है और टमाटो है, इसको हम लोग गोल गोल स्लाइसेस इसके कर लेंगे। ठीक है। और हम इसे पीटा के साथ बना रहे हैं। पिता मैं 2 लाया हूँ, आप वाइट पिता के साथ भी बना सकते हैं इसको, ब्राउन पिता के साथ भी बना सकते हैं इसको आप। ओके, हाँ, मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि अब फैसल नहीं खा पा रहे तो बाकी जो डाइट कर रहे हैं वो वाइट पिटा ना सही, ब्राउन पिटा के साथ इसे ट्राई कर लें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएं। पहली तो बात ये कि अफगानिश है कहाँ? अफगानिश है छोटा बुखारी पे, जो कि DHF फूड स्ट्रीट कहलाती है अभी। एक दिन बड़ा होगा वो भी। अच्छा, आप आ जाएं, बड़ा हो जाएगा। हैं? आप आ जाएं। नहीं, आप छोटा बुखारी की बात हो रही है। 2-3 बार बुलाया, आप आए नहीं है वैसे। मैं घर इतनी मुश्किल से जा पा रहा हूँ यार, इस बात को तो समझो। आप आए, आपको डाइट वाली। घर इतनी मुश्किल से जा पा रहा हूँ, कितनी सफाई से काम कर रहा है। तेरी कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे यार, मैं आपको लाइफ दूसरी दे देती हूँ जी। नहीं, बड़ा बड़ा मुश्किल। मैं वाकई ये काफी दफा हमारा प्लान हुआ, लेकिन इत्तफाक ऐसा है, हालांकि मैं इनके रेस्टोरेंट पे जाके काफी कुछ खा सकता हूँ। कुछ कबाब शबाब हैं जो मुझे बड़े फेवरेट हैं। मुझे वही उन्होंने बताया कि जैसे इनके टर्किश और इनकी अपनी जो रेसिपीज हैं, उनको जरा थोड़ा फ्यूजन करके इन्होंने बनाया है, और उसमें आप ट्राई तो ले सकते हैं, उसमें वो तो इशू नहीं है। नहीं, वो तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन सीरियसली अभी आजकल तो आपको पता है टाइम ही नहीं मिल रहा। रमजान से पहले भी जो सिचुएशन चल रही थी, इतनी ट्रैवलिंग, इतनी भागदौड़, इतना सारा कुछ, तो जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये अच्छा है, सारा काम आप इससे खुद करवा रही हैं? तो घर में? मैं घर में खुद करता हूं भाई। घर में खुद करते हैं जी। हैं? वाइफ मेरा थोड़ा साथ दे देती है। हाँ, तो वो मुझे थोड़ी सी प्रेप में मदद कर देती है। तुम वाइफ का साथ नहीं देते बेचारी, अपने देवर के साथ जिम आती है, तुम जिम नहीं आते। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ऑफिस ये लोगों को खाना खिला के और खुद खाना खा के सिर्फ सो रहे हैं। नहीं, अभी इसने बहुत कम किया, सीरियसली लॉस्ट सो मच वेट, और ये अच्छी बात है। ज़रा मैं ज़रा आपको पता है थोड़ा फिटनेस की तरफ लोगों को ज़्यादा माइल कर रहा हूँ कि यार ज़रा फिट रहें, क्योंकि कल भी हमारे सेट पे बात हो रही थी कि जी एक सर्टन एज होती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, शुगर हो जाती है, तो उन तमाम चीज़ों के जो हल हैं वो वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, एक एक बड़ी बैलेंस्ड डाइट जो है,
जब आप वो लेके चलते हैं, देखें अगर आप रात को 12 एक बजे निहारी खाएंगे नहीं, तो फिर खाएंगे नहीं दफेंगे, हम पंजाबी में कहते हैं दफड़ा, तो आप निहारी अगर दफेंगे या पाए खाएंगे और उसके बाद आप जाके सो जाएंगे तो वो अंदर क्या करेगा आपके साथ। तो कोशिश करें कि अगर चलें आपको नहीं रहा जाता तो कोई वॉक अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। और मैं उलमाए कराम से भी ये बात रीकन्फर्म करवाऊँगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, वो इशा की नमाज़ से पहले खाना खाया करते थे, तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बकायदा वॉक किया करते थे, और हमारे अंबिया कराम बहुत वर्जिश करते थे। ये बिल्कुल एक जो है ये बड़ी ज़रूरी बात है, बिकॉज़ आपने सारा दिन काम करना है, आपने खड़े रहना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी आ जाएं लेमन मैक्स की तरफ आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे लेमन मैक्स बार की। आपसे हमने शेयर की रेसिपी वो जो कि हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो, तो हम बजट पैक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लेमन मैक्स आप जानते हैं पाकिस्तान का नंबर वन डिश वॉशर है, लेकिन ये जो बार है ये भी बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये कम घुलती है और ज़्यादा बर्तन धोती हैं। हज़ार नींबू की ताकत से बना हुआ लेमन मैक्स हमेशा हमारा साथ देता है, गहरी से गहरी चिकनाई काटता है, क्योंकि इसमें जो ग्रीस कटर पाउडर है वो तेज़ी से ग्रीस काटता है और ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन साफ करता है, लेकिन जो बार है वो भी कम घुलती है और ज़्यादा देर तक चलती है। तो आपने इस्तेमाल करना है लेमन मैक्स। जी हम कोफ्ते टाइप कुछ काम बना रहा है। अच्छा मसाले भी ज्यादा नहीं है। हाँ है ना? बहुत सिंपल मसाले हैं, बहुत सिंपल। मैं अरेबिक है ना, क्योंकि अच्छा तो उसमें हल्के फुल्के मसाले ही होते हैं, ज्यादा मसाले। ये मसाले खाने का शौक जो है ना वो मेरे ख्याल से हमारे रीजन में है। नहीं वो हमारे रीजन में तो जो भी है, लेकिन वो हम जब अभी पीछे 2-1 साल पहले हमें बड़ा शौक था, हम करारे हाँ। किस्म के बनाए। अच्छा आप जब मेरे रेस्टोरेंट पे भी आएंगे हाँ। तो आपको कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं मिलेगा। अच्छा मसाले बहुत बैलेंस अच्छा, हैं। वैसे भी साथ अब ये फर्क आ गया है कि अब लोग कहते हैं हालापीनोज हो, पेपरिका हमारे पास पड़ी हो, एक्स्ट्रा ग्रीन चिलीज हो, लेकिन जो खाना होना चाहिए वो कम स्पाइसी हो, फिर हम अपनी मर्जी के स्पाइसेस ऐड कर लें। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। और वो मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छी है, जिसका जो दिल करता है वो अपने हिसाब से डाल लें। हाँ मतलब अब जैसे दुनिया भर में जो इतने मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ यार सॉरी, लेकिन उसमें भी एक नमक है, एक अच्छा देसी मक्खन है और एक काली मिर्च है, ठीक है, और रोजमेरी है बिल्कुल। उसके अलावा स्टेक में और कुछ भी नहीं डलता। हमारे यहाँ तो पता नहीं दुनिया जान की सॉसेज बना के ऊपर डाल देते हैं और क्या कुछ कर देते हैं। आप शौकीन है स्टेक के? मैं बहुत ज्यादा शौक। फिर मैं आपको मैं खुद खिलाऊंगा स्टेक, लेकिन डिपेंड करता है कि कट कौन सा है। क्या कौन सा है? कट पे तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं। साथ ये वैसे मेरी बात सुने, इस टाइम हम एक शो कर रहे हैं और इसके अंदर मैं भी शामिल हूं। हाँ। मैं आपको खिलाऊंगा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मुझे उठाया। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना सलमा अपा ने भाई मेरी ईद जो है ना वो ईद कर दी थी, सीरियसली इतना मजे का खाना भेजा था आपने। थैंक यू सो मच, क्योंकि ग्रैनीज वालों की तरफ मुझे कॉल आई थी क्या आपने उनको ईरानी पुलाव भेजा है कि नहीं भेजा। मैं कहा जी भेजा है बना के, अब वो बताएंगे कैसा है। नहीं नहीं इस दफा भी ईरानी पुलाव हो जाए फिर। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप हुक्म तो करें। क्या मतलब मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे आप बात करें, हम आपको बड़े मजेदार मैं कल ना मैंने चीट डे तो कर लिया। हाँ वो हाँ कल आपके लिए बनाए थे हमने कीमे वाले कटलेट। आपको मजे की बात बताऊं, चीट डे तो कर लिया, फिर जब हम शहरी में थे तो सारे उलमाए किराम ने मेरे साथ ब्रेक में बड़ा मजाक कर रहे थे, बिकॉज मैं टन घूम रहा था। मैं काफी दिनों के बाद आप जब खाना खाते हैं ना तो यही याद आता है। ऊपर से मैंने वो केक भी खा लिया, तो उसके बाद ना मैं वो शुगर शॉक हुआ हुआ है मुझे, तो मैं यूं था। अब वो जो कुछ बोले मैं कहा हाँ बिल्कुल आप कहते अरे ब्रेक में कहते तुम्हें आज हुआ हुआ क्या? मैंने कहा मैंने रोटी खाई है, मैंने चावल खाए, मैं टुन हुआ। अच्छा आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, लेकिन सॉरी वो ब्रेक। जी जनाब वेलकम कहते हैं वापस आपको रमज़ान में बोल के सेट पे, जहां बोल के जायके में खाना बिल्कुल तैयार हो रहा है। इस वक्त जो चिकन पैटीज हैं वो डाले जा रहे हैं फ्राइंग के लिए, और मैं थोड़ा सा बादाम क्रश कर रही हूं, तो क्रश करने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना कट ही कर लूं ये ने, क्योंकि
ये जो दूध है जो कि फ्रीज है इस टाइम, उसमें डाल रही हूँ। इसमें डाला मैंने क्या है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। हम इस जिस तरह खीर बनाते हैं ना, उसी तरह चावल जो है वो दूध में डाल दिए जाते हैं। ये ठंडा दूध बनाने के लिए है रेसिपी। दूध में चावल डाल दिए, उसको खूब अच्छे से पकने के लिए दे दिया। यानी अगर आपने एक किलो दूध लिया है तो हार्डली जस्ट आधी मुट्ठी भी या 4 टेबलस्पून के करीब भी राइस बहुत है। आपने बस वो धो के बहुत अच्छे से उसके अंदर डाल दिया, उसे पकने के लिए छोड़ दें। उसमें बादाम पिस्ते जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड ऑन कर दें। इसमें आप चीनी ऐड ऑन कर दें, कोई शरबत, कोई खुशबू जो आपको चाहिए। मुझे लाल शरबत चाहिए था, आज मैंने वो डाल दिया है, वो इसमें डाल दें और इसको खूब पक लेने दें। जब वो निकलता है, जब बन जाता है, उसके बाद उसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया जाता है और फिर खूब ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा इतना किया जाता है कि वो तकरीबन फ्रोज़न ही होता है। और ये इसको ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है चारों मगज़ के साथ, थोड़े से बादाम ऐड ऑन कर दिए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। आप बताएं जी अपनी रेसिपी। ये तो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये बहुत कैसे रोका जाएगा इसके? ये इतना रिफ्रेशिंग है और ये कंप्लीट मील है। हाँ वही, बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है बहुत। हाँ और ये बड़ा मज़ेदार लगता है जब आप पी रहे होते हैं ना, गल्प कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा आपको सूदिंग मज़ेदार किस्म का रहता है। गर्मियों में अगर आप इसे ठंडा पिएं, सर्दियों में अगर आप पीना चाहें तो इसे गर्म भी पी सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपने नहीं इसको जल्दी करना है। अच्छा ये हमारा तो बस कबाब हमने डाल दिए हैं, पैटीज जो है वो फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे। बड़ा गोल्डन सा इसका कलर आना चाहिए, सही, बहुत ज़्यादा लाल, क्योंकि चिकन कबाब है। अच्छा तो एक बात मैंने आपसे पूछी, आपका जो रेस्टोरेंट है अफगानिश, उसका एम्बियंस किसने, मतलब आपने जो उसकी सेटिंग वगैरह की है, सिटिंग इनसाइड है, आउटसाइड है, क्या है? एक्चुअली अफगानिश जो है वो DHA फूड स्ट्रीट पे है, और DHA फूड स्ट्रीट का जो ओवरऑल एम्बियंस है वो आउटडोर सिटिंग है सारी। तो आउटडोर सेटिंग में क्योंकि बड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, और ज़्यादातर DHA फूड स्ट्रीट में जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर ही आते हैं। 95% जो है कस्टमर फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे एक ज़माना था कि चाय वाला बहुत थे, तो वो लड़के आते थे, बैठते थे, दो दो तीन तीन घंटे ताज खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है। जब से वहाँ पे खाना बनाने शुरू किए हैं लोगों ने, रेस्टोरेंट में फूड सर्व करना शुरू किया है, तो अब क्या चीज़, कोई डिफरेंट ड्रिंक्स? हाँ हमारे अफगानिश पे एक अफगानी ड्रिंक है शरबत बोमिया के नाम से, वो हम लोग बनाते हैं, उसमें रोज़ और लेमन का जो है वो फ्लेवर होता है। अच्छा। मतलब रोज़ लेमन का फ्लेवर होता है, रोज़ और लेमन का फ्लेवर होता है, गुलाब मैंने कहा रोज़ गुलाब और नींबू। एनीवे जी ये किचन का सिलसिला जारी है, लेकिन पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।